गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम राजनीति भूगोल का नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, मैकेंडर का हार्टलैंड थ्योरी या मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत। मैकेंडर के विचार हार्टलैंड परिकल्पना या हृदय क्षेत्र परिकल्पना के नाम से विख्यात हैं। इसमें उन्होंने विश्व के राजनीतिक स्वरूप और उसके आधार पर भावी शक्तिशाली क्षेत्र का उल्लेख किया है। मैकेंडर ने अपने विचार कुछ लेख एवं पुस्तक में प्रस्तुत किए तथा समय के साथ उनमें कतिपय परिवर्तन भी किए। इस परिकल्पना की प्रारंभिक विचारधारा मैकेंडर के रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुख 1904 में पढ़े गए पेपर ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री या इतिहास की भौगोलिक धुरी के रूप में प्रस्तावित की गई। आप लोगों के लिए जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में जो कॉम्पिटेटिव परीक्षा होती है उसमें इस तरीके की चीज़ें आती हैं। ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री किससे संबंधित है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये मैकेंडर से संबंधित है। इस प्रपत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि भौगोलिक ऐतिहासिक घटनाओं और भौगोलिक कारकों में अंतर संबंध है। उन्होंने विश्व इतिहास और भौतिक मानचित्र का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण विश्व में यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलाकर एक विशाल स्थलखंड है। इस विशाल स्थलखंड को उन्होंने विश्व द्वीप या वर्ल्ड आइलैंड का नाम दिया। इसके निर्धारण के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण धरातल का 3/4 भाग जल क्षेत्र है, जबकि स्थलखंड केवल 1/4 भाग पर है। इस स्थलखंड को 2/3 भाग विश्व द्वीप के अंतर्गत है तथा 1/3 भाग ही नई दुनिया और अन्य द्वीपों के अंतर्गत देखने को मिलता है, जैसा कि इस मानचित्र में दिख रहा है। विश्व द्वीप पर संपूर्ण विश्व की 7/8 जनसंख्या निवास करती है, जबकि 1/8 जनसंख्या ही शेष द्वीपों के बाहर निवास करती है। अपनी परिकल्पना को विस्तार देते हुए उन्होंने संपूर्ण स्थल भागों को निम्न क्रमों में स्पष्ट किया है। प्रथम क्रम में उन्होंने विश्व द्वीप के उत्तरी आंतरिक स्थलीय खंड को विवरण प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि यूरेशिया के उत्तरी आंतरिक भाग में आर्कटिक जल प्रवाह का एक ऐसा क्षेत्र है जो तीन ओर से पर्वतीय श्रृंखलाओं तथा उत्तर में हमेशा बर्फ से ढका हुआ आर्कटिक सागर से घिरा है। यही उसकी परिकल्पना का धुरी क्षेत्र था, जिसे बाद में हृदय स्थल का नाम दिया। भौगोलिक विस्तार पश्चिम से वोल्गा से पूर्व में साइबेरिया तक, दक्षिण में हिमालय एवं उसकी सहायक पर्वत श्रेणियों से, उत्तर में बर्फीले आर्कटिक सागर तक था। यह स्थिति किसी भी समुद्री शक्ति के लिए अगम्य है। केवल इसमें यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के मध्य स्टेपी क्षेत्र यूरोप से ही प्रवेश किया जा सकता है। केवल स्थल आवृत क्षेत्र के कारण ही उसने इन सब को सुरक्षित क्षेत्र नहीं माना, बल्कि पूर्वी यूरोप से साइबेरिया तक विस्तृत कृषि क्षेत्र, खनिज संसाधन और ऐतिहासिक उपकेंद्रीय शक्तियों के कारण इसे भविष्य का संपन्न क्षेत्र घोषित किया। संपन्न क्षेत्र इसलिए घोषित किया क्योंकि जो साइबेरिया का क्षेत्र है ये अपने आप में खनिज संपदा से भरपूर है, कृषि के लिए संपन्न है, उसको विश्व के खाद्यान्न का टोकरा भी कहा जाता है। इसलिए मैकेंडर ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको धुरी क्षेत्र माना। दूसरे क्रम में हृदय क्षेत्र के पश्चिम, पूर्व तथा दक्षिण में स्थित क्षेत्र को आंतरिक या सीमावर्ती अर्धचंद्राकार वृत्त या इनर और मार्जिनल क्रेसेंट के नाम दिया, जिसका विस्तार यूरेशिया के स्कैंडिनेविया से मंचूरिया तक है। यह क्षेत्र अर्ध महासागरीय तथा अर्ध महाद्वीपीय है। इसका प्रत्यक्ष संबंध महासागरों से होने के कारण यह क्षेत्र सामुद्रिक आक्रमणों से भेद्य है। तीसरे क्रम में उन्होंने आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र या बाहर वाले क्षेत्रों अथवा द्वीपीय अर्धवृत्तीय आउटर या इंसुलर क्रेसेंट का नाम दिया। इसके अंतर्गत उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सहारा के दक्षिण का अफ्रीका तथा ग्रेट ब्रिटेन व जापान के द्वीप समूह को शामिल किया। धुरी क्षेत्र को सुदृढ़ और उपयुक्त भू रणनीतिक स्थिति के लिए उसने इसके भौगोलिक आधारों को ही जिम्मेदार माना। मैकेंडर ने उल्लेख किया कि आंतरिक यूरेशियन क्षेत्र में घोड़ों और ऊंटों की गतिशीलता के प्रतिद्वंदी के रूप में महासागरीय परिवहन है। उस समय रेलवे एवं हवाई परिवहन ज्यादा प्रचलित व विकसित नहीं था।
उनके अनुसार समुद्री शक्ति पर आधारित राज्य दीर्घकाल तक अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता है, जबकि एक स्थानीय शक्ति अपने संसाधनों के बल पर स्थायी रूप से शक्तिशाली रह सकती है। इसलिए धुरी क्षेत्र भावी विश्व शक्ति के लिए एक आधार बन सकता है। अब तक सोवियत रूस धुरी क्षेत्र में सबसे लाभप्रद स्थिति में है, लेकिन वह अभी तक उपयुक्त संभावना को साकार नहीं कर सका है। इसलिए दो विकल्प पुनः उभरते हैं। पहला, जर्मनी यदि रूस के साथ मिल जाए, या फिर दूसरे रूप में चीन यदि सोवियत रूस पर कब्जा जमा ले, तो अपनी समुद्राभिमुख शक्ति तथा आंतरिक संसाधनों के बल पर वो उपयुक्त संभावना को वास्तविकता में बदल सकता है। तो मैकिंडर ने कहा कि संभावना जो है वो ये है कि या तो जर्मनी रूस के साथ मिल जाए तो वो एक अभेद्य शक्ति बन जाएगा, और ऐसा नहीं होता तो दूसरी संभावना थी चीन रूस पर कब्जा कर ले, तो चीन का जो सामुद्रिक क्षेत्र है वो प्लस इस पूरे धुरी क्षेत्र का खाद्यान्न संपन्न, खनिज संपन्न क्षेत्र जो है वो मिलकर एक शक्तिशाली केंद्र बन जाएगा। तो मैकेंडर का धुरी क्षेत्र में संशोधन उन्होंने 1919 में किया, डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी नाम की अपनी पुस्तक के अंदर। उन्होंने इस धुरी क्षेत्र का नाम बदलकर अब हृदय क्षेत्र कर दिया। इसमें नवीन क्षेत्रों को समावेश किया। इसमें बाल्टिक सागर, मध्यवर्ती निचली डेन्यूब घाटी, काला सागर, तुर्की, आर्मेनिया, ईरान, तिब्बत और मंगोलिया का भी शामिल किया। ये सारा क्षेत्र इस मानचित्र के अंदर, ये डॉट डॉट वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये नया नवीन क्षेत्र जो इन्होंने शामिल किया उसको दर्शा रहा है। और यूरोप के अंदर ये सारा शेडेड एरिया के अंदर या शेडेड क्षेत्र के रूप में आपको मानचित्र के ऊपर नजर आ रहा होगा। इस क्षेत्र को उन्होंने सबसे सुरक्षित क्षेत्र बतलाया। जर्मनी की स्थिति को देखकर उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में जर्मनी हृदय क्षेत्र पर शासन स्थापित करके विश्व शक्ति के रूप में अपने को स्थापित कर सकता है। इसी समय मैकिंडर ने भू रणनीतिक परिकल्पना को अपने निम्नलिखित कथन में प्रस्तुत किया। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्व द्वीप को नियंत्रित करता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो विश्व को नियंत्रित करता है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैकिंडर ने कहा कि पूर्वी यूरोप अपने आप में महत्वपूर्ण है। पूर्वी यूरोप पर शासन करना वो हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा, और इस तरीके से वो एक दूसरे को नियंत्रित कर सकेंगे। ये मानचित्र के अंदर आपको स्पष्ट हो रहा है। मैकिंडर ने 1943 में द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस प्रपत्र के अंदर नए सामरिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए इसके महत्व पर बल दिया। उन्होंने इस समय हार्टलैंड को सबसे सुदृढ़ प्राकृतिक क्षेत्र माना। इस समय उन्होंने पुनः हार्टलैंड की सीमाओं में परिवर्तन किया। उन्होंने साथ ही मध्य क्षेत्र बेसिन, मिडलैंड बेसिन शब्द का भी प्रयोग किया, जिसमें उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी संयुक्त राज्य तथा पश्चिमी यूरोप को शामिल किया। मानचित्र पर आप देखेंगे ये लाल गोला जो दिख रहा है जिसके अंदर मिडलैंड बेसिन लिखा हुआ है, यह क्षेत्र उन्होंने इसके अंदर शामिल किया। अब मैकेंडर के सिद्धांत का तो मैकेंडर द्वारा प्रतिपादित हार्टलैंड परिकल्पना शुरू से ही अत्यधिक विवाद का विषय रही है। अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना करते हुए इसमें अनेक संशोधन प्रस्तुत किए। इसकी प्रमुख आलोचना इस प्रकार से है। मैकेंडर ने केवल सामुद्रिक शक्ति को ही सर्वोपरि मानकर हार्टलैंड की अभेद्यता व्यक्त की, क्योंकि जब यह सिद्धांत दिया गया उस समय सामुद्रिक शक्ति की प्रधानता थी तथा ब्रिटेन ने विशाल साम्राज्य सामुद्रिक शक्ति के आधार पर ही बनाया था। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि जो क्षेत्र समुद्री आक्रमणों से सुरक्षित है वही भावी शक्ति का केंद्र हो। मैकेंडर की परिकल्पना के विरुद्ध सबसे प्रमुख आलोचना वायु शक्ति के संदर्भ में हार्टलैंड की दुर्बलता है। समुद्री आक्रमणों में यह क्षेत्र सुरक्षित हो सकता है, किंतु वायु आक्रमणों के सम्मुख यह सुरक्षित नहीं है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के समय
वायुयान का प्रचलन नहीं था। आज वायुयान या वायु शक्ति युद्ध में अपना कौशल दिखाती है, इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता। और आज इसका अत्यधिक वृद्धि भी हमें देखने को मिल गई है। वायुयान के युद्ध में प्रयोग के अतिरिक्त वर्तमान युग में दूर से मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र पर भी विकास हो गए हैं, जिनकी सहायता से किसी भी क्षेत्र पर निश्चित दूरी से मार की जा सकती है। इस स्थिति में इस क्षेत्र को सुरक्षित मान लेना विवादास्पद है। मैकेंडर ने आर्कटिक महासागर को हिमखंडित होने के कारण जल परिवहन की दृष्टि से अनुपयुक्त व्यक्त किया, किंतु वायु परिवहन के संदर्भ में आर्कटिक भूमध्य सागर निकटतम दूरी का सूचक है। निकटतम दूरी इसलिए क्योंकि मानचित्र हमें सपाट देखने को मिलता है, लेकिन पृथ्वी वास्तव में गोल है। आपको जो चीज यहाँ नजर आ रही है आर्कटिक महासागर के दूसरे छोर पर आपको अमेरिका कनाडा वाला हिस्सा है, तो वैसे दूरी देखी जाए तो वो इस दूरी क्षेत्र के काफी नजदीक देखने को मिलता है। अतः वायु शक्ति के हृदय के साथ उदय के साथ हार्टलैंड का अमेरिकन देशों से निकटता हो जाने के खतरा अधिक हो गया। मैकेंडर ने हार्टलैंड के चारों ओर के देशों का जो स्वरूप वर्णित किया है वह परिवर्तित हो गया है। आज सीमावर्ती अर्धवृत्त क्षेत्र में चीन शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। चीन की सीमा हार्टलैंड से संयुक्त है, इसके लिए खतरा है। मैकेंडर ने हृदय स्थल क्षेत्र में प्रजातीय और सांस्कृतिक एकता तथा विस्तृत उच्चावचीय समानताओं को स्पष्ट किया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वयं पूर्व सोवियत रूस एक अनेक प्रजातीय समूह में विभक्त रहा है। इसी का परिणाम रहा है कि आज वे कई राष्ट्रों में विभाजित हो गया है। मैकेंडर के दृष्टिकोण में उसकी विश्व शक्ति बनने की सारी संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। उपयुक्त आलोचना से यह तात्पर्य नहीं कि उसके विचारों की महत्ता नहीं है, अपितु उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए वे तत्कालीन परिस्थितियों की देन थे। उनके विचारों की महत्ता इसलिए भी अधिक है कि उनके कारण अनेक विद्वान इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य हुए। फलस्वरूप अनेक नवीन विचार सम्मुख आए जो परिवर्तित परिस्थितियों की उपज थे। मैकेंडर ने भविष्यवाणी की थी कि आर्थिक और सैन्य शक्ति के आधार पर यह क्षेत्र हृदय स्थल केंद्र को प्रतिस्पर्धी शक्ति केंद्र के रूप में विकसित होगा। यदि तत्कालीन संदर्भ में मैकेंडर की इस भविष्यवाणी का वर्तमान मूल्यांकन किया जाए तो आज अमेरिकन और पूर्वी ये पश्चिमी यूरोप के मध्य नाटो संधि, पश्चिम यूरोप का विकसित होना इस भविष्यवाणी को सही साबित करता है। सोवियत रूस के बिखराव के बाद जो ये सही है कि सिद्ध भी हो गई ये बात। जर्मनी के पुनः एक हो जाने से मैकेंडर के शब्दों को माना जा सकता है कि जर्मनी के विश्व शक्ति बनने की संभावना है। अतः मैकेंडर द्वारा प्रतिपादित विचार आज भी विश्व सामरिकता के संबंध में महत्व रखते हैं। शंघाई समझौता जो हुआ या शंघाई कोऑपरेशन जो है, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत और मध्य पूर्व के जो देश हैं वो शामिल होकर उन्होंने एक अपना गठबंधन किया हुआ है, जो भी एक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है, चाहे अफगानिस्तान की नीतियाँ हों, चाहे ईरान पर दबाव की नीतियाँ, वो सब में अपना प्रभाव व्यक्त करता है। तो मैकेंडर के लिहाज से जो चीन रूस पे कब्जा कर ले तो वो दूरी क्षेत्र का केंद्र बन जाएगा या हृदय स्थल का केंद्र बन जाएगा, वो संभावना भी अभी पूरी तरह से क्षीण नहीं हो। अतः हम कह सकते हैं कि मैकेंडर ने जो सिद्धांत उस समय दिया था उसकी प्रासंगिकता आज भी देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र ही आपके सामने राजनीति भूगोल का दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।